नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मार्च 2023 तक इतने नए बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया पूरी होने की संभावना। पीएमएफ अमीर योजना में राज्य के ये जिला टॉप 5 में। ललन सिंह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कह दी बड़ी बात। भारत की पहली कोविड नेजल वैक्सीन लॉन्च। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज T20 सीरीज का पहला मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीआरपीएफ में 1458 हेड कांस्टेबल और एएसआई भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई के कुल मिलाकर 1458 भर्ती के लिए रिक्त पदों पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी 2023 को समाप्त हो गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी 2023 तक कर दी गई है। ऐसे में वे इच्छुक अभ्यर्थी जो इसमें आवेदन करना चाहते हैं पर किसी कारण से आवेदन नहीं कर सके, वे 31 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस दोनों पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट होना चाहिए। उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में टाइपिंग की गति होनी चाहिए। साथ ही एएसआई स्टेनो पदों के लिए उम्मीदवारों को 12वीं के साथ साथ 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक शॉर्ट हैंड और इसका 50 मिनट में अंग्रेजी में या 65 मिनट में हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन करने सक्षम होना चाहिए। पद्मश्री अवार्ड मिलने पर गणितज्ञ आनंद कुमार ने दी अपनी प्रतिक्रिया। भारत सरकार के द्वारा प्रख्यात गणितज्ञ और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने के लिए घोषणा की गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि सम्मान से मुझे काफी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। मेरे पिताजी भी मुझे देख कर मुस्कुरा रहे होंगे और कह रहे होंगे कि बेटा तू अभी और आगे बढ़। उन्होंने कहा कि हमारी योजना है कि हम सुपर 30 को बिहार से बाहर ले जाए, साथ ही साथ ऑनलाइन के जरिए भी सुविधा को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को फ्री में शिक्षा और भोजन दिया जा सके। उन्होंने कहा कि निरंतर काम करने से थोड़ी देर से ही सही लेकिन सफलता जरूर मिलती है। बधाई देने के लिए जिन बच्चों के द्वारा कॉल किया जा रहा है उनके कॉल से हमें हौसला मिलता है। गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में पंचायती राज को मिला पहला पुरस्कार। बीते दिन पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार सरकार के द्वारा कुल 12 झांकियां निकाली गई, जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं पर आधारित थी। इन सभी झांकियों में पहला स्थान पंचायती राज विभाग की झांकी को दिया गया। वहीं सूची में दूसरा स्थान कृषि विभाग की झांकी को दिया गया और तीसरा स्थान दो झांकियों को दिया गया, जिसमें पर्यटन विभाग की झांकी और बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन जिन 12 विभागों के द्वारा झांकियों का प्रदर्शन किया गया था उनमें उद्योग विभाग, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, पर्यटन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, बिहार अग्निशमन विभाग, जीविका और बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी शामिल रही। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मैथिली ठाकुर के बारे में। मैथिली ठाकुर एक भारतीय गायिका है। वह मैथिली और भोजपुरी गाने गाती हैं, जिसमें छठ गीत और कजरी शामिल है। वह अन्य राज्यों से कई तरह के बॉलीवुड कवर और अन्य पारंपरिक लोक संगीत भी गाती हैं। मैथिली की संगीत यात्रा 2011 में शुरू हुई, जब वह जी टीवी में प्रसारित होने वाली लिटिल चैंप्स नामक एक रियलिटी शो में दिखाई दी। हालांकि वह पहले भी कई स्थानीय कार्यक्रमों में दिखाई दी थी, लेकिन इस रियलिटी शो के माध्यम से उन्हें पहचान मिली। 4 साल बाद उन्होंने एक और रियलिटी शो इंडियन आइडल जूनियर सोनी टीवी में प्रसारित किया, लेकिन वह रियलिटी शो राइजिंग स्टार के माध्यम से एक राष्ट्रीय सनसनी बन गई, जिसमें वह रनर अप के रूप में समाप्त हुई। बिहार की बेहद लोकप्रिय युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैथिली बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करेंगी। मैथिली ठाकुर को हाल में संगीत नाटक अकादमी के प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार के लिए भी चुना गया है।
जातीय गणना में हुआ खुलासा, बिहार में 1.61 करोड़ परिवार बढ़े। राज्य में जातीय गणना के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक 2023 में राज्य में 1.61 करोड़ परिवार के बढ़ने के आसार है। वहीं अगर बिहार की राजधानी पटना के जनसंख्या की बात की जाए तो यहां की जनसंख्या में पिछले 11 वर्षों में 15 लाख से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार पटना में कुल मकानों की संख्या 2011 की तुलना में 9,75,578 से बढ़कर 11,65,748 हो गई है। बता दें कि 2023 में पटना की जनसंख्या 58 लाख से बढ़कर 73 लाख हो गई है। हालांकि ये आंकड़े पहले चरण के शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर है, फाइनल आंकड़े अब तक जारी नहीं किए गए हैं। मालूम हो कि अंतिम आंकड़े इससे समेकित रिपोर्ट तैयार होने के बाद जारी किए जाएंगे। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे करकटगढ़ जलप्रपात के बारे में। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर जिले का एक मुख्य जलप्रपात है। यह जलप्रपात बहुत सुंदर है। यह जलप्रपात करकटगढ़ घाटी में बना हुआ है। यह जलप्रपात 12 मासी है और मगरमच्छों का आश्रय स्थल है। यह एक संरक्षित आश्रय स्थल है जिसकी ऊंचाई लगभग 35 मीटर है। आप यहां पर आकर जलप्रपात का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। बरसात में यह जलप्रपात बहुत सुंदर लगता है क्योंकि यहां पर चारों तरफ हरियाली देखने के लिए मिलती है और जलप्रपात में बहुत ज्यादा पानी की मात्रा रहती है। यह जलप्रपात ऊंची चट्टानों से नीचे गिरता है। जलप्रपात का दृश्य देखने लायक रहता है। करकटगढ़ जलप्रपात घने जंगल के अंदर स्थित है। करकटगढ़ घाटी भी बहुत सुंदर है और यहाँ पर आपको जंगली जानवर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। PMFME योजना में राज्य के ये जिला टॉप 5 में। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस यानी कि PMFME में 22 परियोजनाओं की स्वीकृति के साथ बिहार का कौन सा जिला टॉप 5 की सूची में शामिल किया गया है। बता दें कि सूची में 46 यूनिट के साथ पहले स्थान पर समस्तीपुर है। वहीं दूसरे स्थान पर 30 यूनिट के साथ नालंदा, तीसरे नंबर पर 24 यूनिट के साथ पटना, चौथे नंबर पर 22 यूनिट के साथ मुजफ्फरपुर और 5 नंबर पर 18 यूनिट के साथ सिवान शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण जैसे मिनी राइस मील, फ्लावर मील, आचार यूनिट, पापड़ यूनिट, नूडल व पास्ता यूनिट होता है, जिसके लिए सरकार की ओर से 35% का अनुदान दिया जाता है। प्रधान सचिव के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल राज्य को 400 यूनिट के लिए ऋण की स्वीकृति दी गई है। वहीं 2023 तक 2500 ऋण स्वीकृति का लक्ष्य रखा गया है। 15 फरवरी तक चलेगी समाधान यात्रा, जानिए किन किन जगहों में आएंगे सीएम नीतीश। अब 15 फरवरी तक नीतीश कुमार की समाधान यात्रा होगी। इस समाधान यात्रा में नीतीश कुमार अंतिम दिन बेगूसराय और पटना में रहेंगे। दरअसल समाधान यात्रा को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा एक नया पत्र जारी किया गया है। 28 जनवरी को मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में खगड़िया में रहेंगे। इस बात की जानकारी कैबिनेट सचिवालय की तरफ से दी गई है। साथ ही साथ बताया गया है कि गोपालगंज, रोहतास, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले के 2-2 गांव में नीतीश कुमार भ्रमण करेंगे तथा योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। बिहार में कम हुई ठंड, लोगों को मिली राहत। प्रदेश में ठंड का सितम अब कम हो गया है। वहीं राज्य के अधिकतर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है। अगले 4 से 5 दिनों तक पारे में कोई खास बदलाव के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ठंड से राहत तो मिली है, लेकिन फिलहाल सर्दी खत्म नहीं होगी। पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से लोगों को कपा सकती है, जिसकी वजह से जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में बिहार समेत मैदानी इलाकों में तापमान घटने और ठंड बढ़ने के आसार है। बता दें कि इस महीने तीसरा सक्रिय विक्षोभ 28 जनवरी को आने की संभावना है। रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप फाइनल में बिहार की पकड़ मजबूत। रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल में मणिपुर के खिलाफ मैच के दूसरे दिन बिहार की टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बिहार ने मणिपुर के 6 विकेट चटका लिए थे और उनका स्कोर 194 रन ही था। बिहार की तरफ से नवाज खान ने 2 विकेट चटकाए, जबकि वीर प्रताप सिंह, कप्तान आशुतोष अमन और सचिन कुमार ने 1-1 विकेट हासिल किए। मणिपुर की तरफ से प्रफुल्लो मनीष सिंह ने सबसे अधिक 82 रन बनाए। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए बिहार ने पहली पारी में सकीबुल गनी के दोहरे शतक और विपिन सौरभ के 155 रनों की पारी की बदौलत 532 रन बनाए थे। विशाल स्कोर बनाने के साथ ही बिहार ने मैच में अपनी स्थिति मजबूत कर ली और उनके जीतने की उम्मीद प्रबल हो गई है। मार्च 2023 तक इतने नए बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया पूरी होने की संभावना।
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बालूघाट की बंदोबस्त प्रक्रिया के लिए नया डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद मार्च 2023 तक राज्य में करीब 600 नए बालूघाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है, जिसमें से करीब 218 घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया की जा चुकी है और साथ ही 100 घाटों की पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन दिया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह नई बंदोबस्ती प्रक्रिया अगले 5 साल तक की जा रही है। फिलहाल राज्य में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त घाटों से बालू खनन का काम चल रहा है, जिसे मार्च 2023 तक की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद नए वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में खान एवं भूतत्व विभाग को मिलने वाले राजस्व में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही अगर बालू खनन के जिलों की संख्या बढ़ती है तो संबंधित जिलों में दूर दराज से बालू पहुंचने वाली लागत में कमी आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक भरोसेमंद गेमिंग ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला है। लोटस 365 सबसे पुरानी गेमिंग कंपनियों में से एक है, जो भारत में 2015 से एक्टिव है। यहां आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस से जुड़े अपडेट मिलते हैं। यहां आप 1000 प्लस लाइव गेम खेल सकते हैं और अद्भुत पुरस्कार जीत सकते हैं। यहां लाइव क्रिकेट फुटबॉल मैच की भविष्यवाणी कर दैनिक विजेता बन सकते हैं। लोटस 365 से आप जीतने वाली राशि को तत्काल अपने खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं या लाइव मैच भी देख सकते हैं। यहां आपको बेस्ट ऑफर और प्रमोशन भी मिलता है। साथ ही इसमें अच्छी बात यह है कि 7121 कस्टमर सपोर्ट है, तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अभी खेले और आईफोन 13 रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे रोमांचक उपहारों के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस तरह के खेल में फाइनेंशियल रिस्क होता है, आप इसके आदि हो सकते हैं, इसलिए आप इसे अपनी जिम्मेदारी पर खेलें। भारत की पहली कोविड नेजल वैक्सीन लॉन्च। बीते दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत देश को उसका पहला कोविड नेजल वैक्सीन मिल गया। बता दें कि भारत बायोटेक के इस नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक है, जिसे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वैक्सीन नाक का टीका है, यानी कि इसके लिए कोई इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें केवल आपकी नाक में एक बूंद डाली जाएगी और आप सुरक्षित हो जाएंगे। मालूम हो कि दिसंबर 2022 में भारत बायोटेक के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह इंट्रोजनल वैक्सीन को सरकार द्वारा खरीद के लिए 325 रुपए प्रति शॉट और निजी टीकाकरण केंद्रों के लिए 800 रुपए प्रति शॉट के हिसाब से बेचेगी। 20 लाख रोजगार की ओर बिहार अग्रसर, राज्यपाल फागू चौहान। बीते दिन पूरे देश के साथ राज्य भर में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा तिरंगा फहराकर लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया कि सरकार के द्वारा 5 महीने में 28,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है और आगे भी महागठबंधन की सरकार के द्वारा 20 लाख नौकरी और रोजगार दी जाएगी। इसके लिए सरकार अग्रसर है और लगातार काम कर रही है। हमारी इस सरकार ने कोरोना काल में भी अच्छा काम किया था और अगर कोरोना जांच की बात करें तो यह राष्ट्रीय औसत में भी आगे है। जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा अपने अपने आवास स्थान पर तिरंगा फहराया गया। बीमारियों की जानकारी देने में फिसड्डे जिलों में जाएगी स्वास्थ्य समिति की टीम। बिहार में कई जिले ऐसे हैं जो जहां से नियमित तौर से यह जानकारी नहीं दी जाती है कि अस्पताल में आने वाले मरीज किस बीमारी से पीड़ित है, जिससे यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि राज्य के लोग अभी किस बीमारी से ज्यादा पीड़ित है। ऐसे ही जिलों पर नकेल कसने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा एक अहम निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब इन फिसड्डे जिलों में स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों की टीम भेजी जाएगी, जिसका मकसद होगा कि राज्य के सभी जिले सही समय पर बीमारियों की रिपोर्ट को सौंपे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीमारियों की जानकारी देने में सबसे फिसड्डे जिलों की सूची में जहानाबाद, चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गोपालगंज, बक्सर, अरवल और शेखपुरा जैसे जिले शामिल हैं। बिहार की बेटी नितिशा ने किया पीएम मोदी के साथ डिनर। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली बेटी नितिशा शंकर ने पीएम मोदी के साथ डिनर की। दरअसल भारत सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस के अवसर पर माय गवर्नमेंट ऐप पर बच्चों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर कविता लिखने का एक प्रतियोगिता आयोजन किया गया था, जिसमें देश के कुल 25 बच्चों का चयन किया गया था। बता दें कि इन 25 बच्चों में से एक बच्ची बिहार के मुजफ्फरपुर की नितिशा भी थी। वहीं अपने इस अनुभव के बारे में नितिशा बताती है कि उन्हें यकीन नहीं था कि उनका चयन विजेता के रूप में किया जाएगा और उन्हें पीएम मोदी से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। हालांकि मेरी कविता चयनित हुई और मुझे पीएम मोदी के द्वारा सम्मानित भी किया गया और साथ ही मुझे उनके साथ डिनर करने का मौका भी दिया गया। नितिशा ने कहा कि पीएम मोदी समर्पण, त्याग, कठिन परिश्रम, राष्ट्रभक्ति और कभी हार नहीं मानने की ताकत का उदाहरण है। ललन सिंह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कह दी बड़ी बात। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी बात कर दी गई है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार को श्रीनगर में 30 जनवरी को होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था, जिसको लेकर ललन सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा कि 30 जनवरी को नागालैंड में चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे, ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में
लोकतांत्रिक मूल्यों का हास हो रहा है और संवैधानिक संस्थाएं जो अनियंत्रित कार्यकारी शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने वाली है उन्हें व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है। मैं इस ऐतिहासिक इवेंट में उपस्थित होना चाहता हूं, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होने पर मुझे खेद है क्योंकि मुझे उसी दिन नागालैंड में पार्टी का चुनाव अभियान शुरू करना है। उन्होंने लिखा कि मेरी पार्टी और पार्टी के सुप्रीमो नीतीश कुमार आपके पूरे यात्रा के सफलता को लेकर आपको विश करते हैं। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के मौके पर गरीबों के लिए किया ये काम। बीते दिन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के मौके पर अपने पटना स्थित आवास पर गरीबों को भोजन करवाया और साथ ही ठंड से बचने के लिए उन्हें कंबल भी दिया। इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि तेजस्वी यादव के द्वारा खुद गरीब लोगों को भोजन परोसा गया और फिर कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बार सिद्दीकी, राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक सहित वरीय नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं इस बारे में तेजस्वी यादव के द्वारा ट्वीट कर जानकारी देते हुए लिखा गया कि सरस्वती पूजा, वसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज आवास पर गरीबों को भोजन कराने उपरांत कंबल वितरण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम नीतीश पर लगाया आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे आरोप की उन्हें केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से लोन नहीं मिल पा रहा है और कोई विकास का काम नहीं हो रहा है पर नीतीश कुमार पर गलत बयानी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर भ्रम पैदा करते हैं। पिछले 17 वर्षों से भाजपा के वित्त मंत्री राज्य चला रहे थे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और न ही कोई कताई, और अब उनके मंत्री इतने अक्षम हैं कि वे राज्य भी नहीं चला पा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गलत बयानी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को 86% सहायता राशि दी गई है जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्य को केवल 30%। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से बिहार को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पर बौखलाए जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष। उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा जेडीयू में से हिस्सा मांगने को लेकर की गई ट्वीट पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि पहले वह बात कर रहे थे कि संगठन को मजबूत बनाने की और अब पार्टी में हिस्सा मांग रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। जिसको सीएम नीतीश उपेंद्र सिंह से कुशवाहा बनाया, नेता विरोधी दल बनाया, राज्यसभा में भेजा। उन्होंने कहा कि जब वे बेरोजगार हो गए थे, आटा चावल बेच रहे थे तो सीएम नीतीश ने उन्हें विधान परिषद भेजा। जब से उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया है तब से वे जेडीयू को कमजोर कर रहे थे, हम उन पर क्या कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को शर्म आनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज T20 सीरीज का पहला मुकाबला। न्यूजीलैंड का वनडे सीरीज में सूपड़ा साफ करने के बाद भारतीय टीम तैयार है अब T20 सीरीज के लिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज शुक्रवार 27 जनवरी यानी कि आज से हो रहा है। भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला मैच रांची के JSCA स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। T20 सीरीज के दौरान दोनों टीमों के कप्तान बदले नजर आएंगे। भारतीय टीम की कप्तानी स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या करेंगे जबकि कीवी टीम की कप्तान स्पिनर मिचेल के हाथों में होगी। टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। 1948 में पहला टेप रिकॉर्डर बिका। 1988 में पहली बार हेलीकॉप्टर डाक सेवा का उद्घाटन किया गया। 2008 में पश्चिम बंगाल के 13 जिलों में बर्ड फ्लू फैला। 1922 में भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता अजीत का जन्म हुआ। 1907 में प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार पंडित सीताराम चतुर्वेदी का जन्म हुआ। 1886 में टोक्यो जापान युद्ध अपराध न्यायाधिकरण में भारतीय न्यायाधीश राधा विनोद पाल का जन्म हुआ। मुगल साम्राज्य के सम्राट हुमायूं की 1556 में हुई। 20वीं सदी में भारत के प्रमुख सितार वादकों में से एक निखिल बैनर्जी जी का 1986 में निधन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता श्री भारत भूषण जी का 1992 में निधन हो गया। भारत के 8वें राष्ट्रपति रहे श्री आर वेंकटरमन जी का 2009 में देहांत हो गया था। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि उम्मीदवार की नियुक्ति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आयुष्मान भारत योजना में ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पद पर की जा रही है जिसके लिए मासिक वेतन 28,500 होगा। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। MOHFW इंडिया द्वारा ऐसा कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। जब चाहोगे
तब होगा मैसेज सेंड। व्हाट्सएप मैसेज को शेड्यूल करने के इस तरीके से व्हाट्सएप का इस्तेमाल आज के समय में लगभग सभी कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी शख्स को कोई जरूरी मैसेज ड्रॉप करना होता है लेकिन मैसेज सेंड करना भूल जाते हैं। ऐसे में हम आपको व्हाट्सएप ऐप मैसेज को शेड्यूल करने का तरीका बताएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। यहाँ से SKEDIT ऐप को डाउनलोड करें। अब ऐप ओपन कर इसके लॉग इन प्रोसेस को पूरा करें। यह करने के बाद मेन्यू में से व्हाट्सएप सेलेक्ट कर एनेबल एक्सेसिबिलिटी पर टैप करें। अब टॉगल पर क्लिक कर अलाउ ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद मैसेज को डेट और टाइम एंटर करके शेड्यूल कर दें। अब ऐप खुद ब खुद तय समय पर मैसेज को सेंड कर देगा। 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई फिल्म पठान। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। बता दें कि अब यह फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है और ऐसा होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। मालूम हो कि इस फिल्म ने पहले दिन ही दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 102 करोड़ रुपए कमा ली है। वहीं भारत में अनुमान के मुताबिक पहले दिन 52.5 करोड़ की ओपनिंग की गई। जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म ने ऋतिक रोशन की वॉर जिसने 50 करोड़ रुपए और यश की KGF 2 हिंदी जिसने 52 करोड़ रुपए के ओपनिंग डे कलेक्शन रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। इसके साथ ही इस फिल्म ने बाहुबली 2 और पुष्पा द राइज जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। बिहार में 2459 मदरसों की जांच पर सीएम नीतीश का बयान। पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार के 2459 मदरसों की जांच करवाए जाने का निर्देश दिया गया था जो फर्जी कागजात पर अनुदान लेते हैं, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर सियासत गरमाने लगी है। एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से बिहार सरकार पर हमला बोला जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर अब इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी गई है। बीते दिन उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर यह ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आया है तो इसका मतलब है कि सभी चीजों को देखकर यह ऑर्डर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है। जिन मदरसों को मान्यता मिल चुकी है उन्हें हम लोग हमेशा से मदद करते आ रहे हैं और अगर अब जांच कराने का आदेश आया है तो जांच भी कराई जाएगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनीष कुमार, अतीक खान, रिया राज, विजय कुमार मंडल, असरफी मंडल, धीरेन्द्र पंडित, चीफनाथ मंडल, प्रेमचंद कुमार, ब्यूटी कुमारी, नन्नू गोलू कुमार, प्रहलाद राज चंद्रवंशी, मोहम्मद सकीर हुसैन, रवि कुमार राम, मोहम्मद नौशद राजा, रंजीत पासवान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में ठंड की स्थिति क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।